हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रीवास्तव फिजिशियन हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है, जिससे उनको L3 हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उनके जो कांटेक्ट में कुछ लोग थे उनको अभी सैंपलिंग कराई गई है। अभी एहतियातन हॉस्पिटल में गतिविधियां रोकी गई हैं और उनका पूरी सैनिटाइज कराना, पूरी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के बाद उसको संक्रमण रहित करके पुनः चालू किया जाएगा ताकि कोई मेडिकल इन्फेक्शन के प्रसार की संभावना न रहे। अभी तक सील जो भी प्रोटोकॉल है, जिस कमरे में डॉक्टर या कोई भी जो लोग काम करने वाले पॉजिटिव पाए जाते हैं बैठते हैं उसको सील किया जाता है, लेकिन उसको भी बाद में सैनिटाइज करने के बाद उसको भी काम में लिया जाता है, वो हमेशा के लिए सील नहीं रहता। तत्काल इसलिए सील किया जाता है, तत्काल इसलिए गतिविधियां रोकी जाती हैं कि पहले उस पूरे कैंपस को, आसपास के परिसर को सैनिटाइज किया जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लिया जाए जिसका पॉजिटिव वो किसके किसके कॉन्टैक्ट में रहा है और उसको संक्रमण से मुक्त करते हुए सैनिटाइज करने के बाद पुनः गतिविधि को कैसे शुरू किया जाए, रणनीति के तौर पर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होता है और उसको अपनी जीवन की रक्षा की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, प्रत्येक जीव को होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए उनमें अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर्स के बीच में एक वातावरण ऐसा जरूर चिंता का होता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे रोडवेज पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, उनके किसी भी गतिविधि में मैंने कमी नहीं देखी। व्यक्ति विशेष कोई हो सकता है जो ज़्यादा डरा हो, लेकिन समूह रूप में चिकित्सा विभाग के लोगों में ऐसा कोई भय नहीं दिख रहा है। और मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा हूँ कि हमें कोरोना से फाइट भी करना है और अपने तंत्र को, बायोलॉजिकल मास को भी जीवित रखना है। इसके लिए जितने भी तरह के सुरक्षा के इंतज़ाम होने चाहिए वो डॉक्टर्स और विशेष रूप से उनको जानकारी और होनी चाहिए, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, उनको और ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और समवेत रूप से हम कोरोना के संक्रमित लोगों के लिए उपचार के लिए उपलब्ध रहे। सर, मनरेगा के तहत कितने